लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब्स के सभी टाइप्स को एकदम डिटेल में पढ़ा था। आज उसी का कंटिन्यूशन है। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस में आपने कई सारे वर्ड्स सुने होंगे, जैसे ब्रेक इन, कॉल आउट या फिर ड्रॉप बाय। तो इस तरह के जो वर्ड है, जो वर्ब्स है लेकिन दो दो वर्ड से बने हुए हैं, उनको कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। डिटेल में देखते हैं इस फ्रेजल वर्ब में डेफिनेशन क्या कहती है। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक ऐसा वर्ब होता है जो एक से ज्यादा वर्ब का, एक से ज्यादा वर्ड का बना होता है। ठीक है, क्लियर है। उसमें एक से ज्यादा वर्ड होता है, जैसे एग्जांपल ब्रेक, ब्रेक इन। देखो ब्रेक इन का मतलब होता है चुपके से कहीं पर घुस जाना। ब्रेक इन मतलब जैसे द थीफ ब्रेक इन टू माय होम, है ना। द थीफ ब्रेक इन द हाउस। तो थीफ जो है उसने क्या किया, वो घर में ब्रेक इन हो गया। ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी से घुस जाना। ठीक है, तो ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी से घुस जाना, कहीं पर भी चले जाना, चोरी से किसी के घर में घुस जाना, वो होता है ब्रेकिंग। चलिए एग्जांपल भी हम लोग उसका स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, एक एक करके इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन क्या होती है, अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। सबसे पहले तो वो एक से ज्यादा वर्ड का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब जो है हैज अ मेन वर्ब एंड अनदर वर्ड। तो आप यहां बोल सकते हो कि ये ब्रेक इन, इसके अंदर आपका मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब में आपका ब्रेक। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, वो अनदर वर्ड हो गया। अब आप देखो कि ये जो है ये आपका वर्ब है जो कि मेन है, और अनदर वर्ब जो है वो क्या हो सकता है, वो कोई प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर कोई पार्टिसिपल हो सकता है। ठीक है, या कई बार कोई आपका प्रीपोजिशन हो गया, पार्टिसिपल हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कोई वर्ड यूज हो जाते हैं। तो देखो ये अनदर वर्ड क्या हो सकता है, आइदर अ प्रीपोजिशन और इट कैन बी अ पार्टिसिपल। ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ कि कुछ गेस्ट मेरे घर में ड्रॉप इन, एकदम टपक गए
प्रेजेंट वर्ब जो है यूजुअली उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ये हमारे एग्जांपल है, पुल डाउन मतलब कि टुकड़ा देना, ऑफर को रिजेक्ट कर देना। मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब होता है चीजों को सामान्य बना देना, ठीक है, या फिर यथास्थिति उसकी मेंटेन करना। टर्न डाउन का मतलब टुकड़ा देना, ठीक है, टुकड़ा देना। और मेक ओवर का मतलब आप बोल सकते हो सुधारना, है ना, सुधारना, उसमें सुधार करना या सुधार करना, ठीक है। पुल डाउन मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, ठीक है। टर्न डाउन हो गया। ब्रेकिंग मतलब उसमें दिखाना है चोरी से कहीं पर घुस जाना। कॉल आउट, कॉल आउट मतलब कैंसिल कर देना। कॉल आउट का मतलब है कोई भी मीटिंग या कोई भी कैंसिल। द मीटिंग वाज कॉल आउट या द मैच वाज कॉल आउट कैंसिल, ठीक है। द मैच वाज कॉल आउट ड्यू टू रेन, बारिश के कारण क्या हुआ, मैच को कॉल ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। काम डाउन, काम डाउन का मतलब शांत होना, ठीक है, एकदम शांत होना, शांति से बैठ जाना, काम डाउन, ठीक है। कम अक्रॉस मतलब दिखना, कम अक्रॉस बेसिकली दिखना, कोई नई चीज दिख जाना, ठीक है। कम अक्रॉस मतलब दिख जाना, कोई चीज हमको उससे भेंट हो जाना, मुलाकात हो जाना। चेक इन मतलब एंटर करना, ठीक है। ड्रॉप इन मतलब भी एकदम आ जाना, तो ड्रॉप इन मतलब आ जाना। तो ये सारे जो वर्ड है आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वर्ब की तरह ही काम आता है। आप देखो, आप इसमें कभी भी कोई टेंस वगैरह का चेंज करोगे आप, तो वो चेंज हमेशा मेन वर्ब में होता है। जैसे ये मेक, मेक का मेड हो जाएगा, मेड ओवर हो जाएगा। टर्न का टर्न्ड हो जाएगा, टर्न डाउन। ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस होगा वो किसमें होगा, आपके मेन वर्ब के अंदर चेंज होगा, बाकी का जो अदर वर्ब है, सॉरी अदर वर्ड है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एग्जांपल इसका है, ठीक है, मेन मेन के
हम जॉब कर रहे हैं तो बॉस ने जो है उसको ऑफर किया कि भाई तुम अब्रॉड जो है फॉरेन में भी हमारा कुछ ब्रांच वगैरह है तो वहां पर जॉब करो। पर मैंने क्या किया उस ऑफर को क्या करा मैंने पुल्ड, बीच में आपका सब्जेक्ट आ गया है ना, पुल्ड बीच में आपका नाम प्रोनाउन आ गया और पुल्ड आउट है ना, तो इस तरीके से भी आ रहा है कि बीच में आपका नाम या प्रोनाउन आ जाएगा पर वो आपका फ्रेजल वर्ब भी कह रहा है। वो ऑफर दिया था पर मैंने क्या किया उसको पुल डाउन कर दिया। पुल डाउन का मतलब होता है मैंने उस ऑफर को पूरी तरह से टुकरा दिया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ देखो भाई हमने कल की जो हमारी जो लेक्चर था जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले आपको, ठीक है, पोस्ट करके पूरा कॉपी करें, नोट्स मेंटेन करते चले मेरे दोस्त। कल हमने जो है बहुत डिटेल में हमने वर्ब के बारे में इसकी जो बेसिक्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या वर्ब की कैटेगरीज होती है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे वर्ब में आपको याद होगा जिस बंधु ने मेरा लेक्चर देखा कि हम लोगों ने उसमें किसकी बात की थी, हमने दो टाइप्स की वर्ब बात की थी लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। पता आया यार कुछ भाई, लेक्सिकल मतलब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसकी हमने बात की थी। फिर हमने डिस्कस किया ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सकर्मक ऑब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के बिना जो वर्ब होता है वो इनट्रांजिटिव, वो हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ पढ़ा था फिजिकल वर्ब, फिर मेंटल वर्ब, फिर स्टैटिक वर्ब, ठीक है, वो सारी चीजें हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग देख लेते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। क्या देख लेते हैं हम लोग, रेगुलर एंड इरेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। आप देखो कि ये जो रेगुलर वर्ब है इनको हम लोग वीक वर्ब भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, वीक वर्ब्स, ठीक है, और इरेगुलर जो है इनको आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है। आप देखिए कि इसमें जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं बहुत इजी है। देखो भाई तीन फॉर्म होता है, V1 होता है, V2 होता है और ये पार्टिसिपल, वर्ब का कौन सा फॉर्म, पार्टिसिपल, ठीक, ये इधर भी वैसे ही है यहाँ पे भी वैसे है, V1 हो गया, V2 हो गया और वर्ब पार्टिसिपल, ठीक, तीन फॉर्म में हो गया। तो ये जो वीक वर्ब होते हैं ना जिनमें आपका जो सेकेंड या थर्ड फॉर्म करोगे पार्टिसिपल करोगे तो उसमें ईडी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ईडी, जैसे आप देखो पी ए एल की टॉप, तो टॉप का सेकेंड फॉर्म टी ए एल ए ई डी ऑफ, थर्ड भी आपका जो है हैश टॉप होता है ना ये के ई डी टॉप, ठीक है, वैसे ही वॉक डब्ल्यू एल के वॉक, तो ये हो गया वॉक्ड, इधर भी करने के लिए क्या लगता है, ईडी लगता है, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब या फिर आपके वीक वर्ब। कैसे वर्ब, वीक वर्ब, कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लव, क्या होता है लव का सेकंड फॉर्म लव हैज लव, यहां पे देखोगे ठीक है परफेक्ट इसको बोलते हैं ना मतलब हैज लव, इसमें भी ईडी लगता है लव का, लव्ड लव है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो होता है आपको बताओ फटाफट, जैसे मूव का क्या होगा मूव्ड हो गया, इधर भी थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपल भी क्या होगा मूव्ड हो गया, एक का क्या होगा एच ए टी एक का हो जाएगा एट ए टी केवल डी लगता है, तो यहाँ पे एट ए। ये रेगुलर वर्ब की क्या पहचान है, यहाँ पे सेकेंड
या फिर केवल ही लगेगा। ये किसकी पहचान है? रेगुलर वर्ब्स की। इररेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इररेगुलर वर्ब में तीनों क्या होगा, तीन कंडीशन है इररेगुलर में। पहली कंडीशन क्या है कि तीनों सिंग, जैसे पुट, पीयूटी पुट, पीयूटी पुट और पीयूटी पुट, ठीक है, पुट 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 या कट, सीयूटी कट नहीं होता है, कट या कट या कट, तो तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। या फिर दूसरी जो कंडीशन है उसमें तीनों अलग अलग है, ठीक है, जैसे फॉरगेट, तो फॉरगेट उसका हो गया है आपके सेकंड फॉर्म क्या हो गया, फॉरगॉट, फॉरगॉट, और ये क्या हो गया थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसका हो गया फॉरगॉटन, क्या हो गया फॉरगॉटन, या फिर वो, ठीक, वो का सेकंड फॉर्म वैन, ठीक, उसका फिर थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। तो ये ऐसे तीनों अलग होते हैं जिस तरह के। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सेम है, जैसे रन, रन ये आपका रन और वापस से ये क्या हो गया, रन हो गया, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। वैसे जैसे आप ये सिट या फिर सैट और वापस से ये क्या हो गया, सिट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट और थर्ड में सेम है, सेकंड चेंज, जैसे गम है ना, गम, तो ये क्या हो गया कि, तो फिर वापस ये क्या हो गया कम। तो ये ऐसे आपके इररेगुलर वर्ब्स है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से सेकंड या थर्ड फॉर्म में हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन से फॉर्म का वर्ब है, सेकंड फॉर्म का है या फिर थर्ड फॉर्म का है, और इनको थोड़ा सा हम लोग केवल यूनी लगा के पता करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों में आ जाते हैं, जो दोनों को फॉलो करते हैं, ठीक है, किसी को भी वो नाराज नहीं करते हैं। ऐसे कौन से वर्ब है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखो जो दोनों को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको दिखेगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, स्लीप, स्लीप जो है तो वो कई बार स्लेप्ट, स्लीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, V2 SLEPT स्लेप्ट भी होता है और SLEPT स्लीप्ड भी होता है, ठीक है, मतलब स्लेप्ट भी होता है और स्लीप भी होता है। तो इधर तीसरा V3 जो है पार्टिसिपल, उसमें भी वो स्लेप्ट, स्लेप्ट भी होता है और स्लीप्ड भी होता है, ठीक है। तो ये कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें दोनों फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे एक और वर्ड है लीप, एक और वर्ड है आपका LEAP, लीप, तो लीप का अगर आप सेकंड फॉर्म देखोगे तो वो लीप भी होता है और LEPT लेफ्ट भी होता है, LEAPT लीप लीप भी होता है। तो वो दोनों को कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वीक भी होते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वोकैबुलरी का सेक्शन, जब हम लोग वर्ब का पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, इसमें हम लोग पूरा एक एक इसका V1 V2 V3 पार्टिसिपल सभी फॉर्म इसके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करा, एक इंट्रोडक्शन जैसा हो गया आपके सामने, जिसमें आपको ये पता चल गया कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं जिसके अंदर ED या D लगा देते हैं सेकेंड फॉर्म में, और इररेगुलर कौन से होते हैं जिसके अंदर एक नया ही वर्ड आ जाता है, ठीक है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, नया ही वर्ड आ जाता है तीनों फॉर्म्स का, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो रेगुलर इररेगुलर हमने देखा, अब एक इम्पॉर्टेंट हम लोग इसका रिवीजन करने जा रहे हैं वर्ब का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव इंपॉर्टेंट था, सकर्मक अकर्मक क्रिया, एक आपका क्या इंपॉर्टेंट था, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दो चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक
नहीं देख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखूंगा या अपने मन में इसके आंसर को पूरा सोच कर रखूं। ओके, सो बात कर लेते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में। तो देखो, एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा आपका होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का मीनिंग हिंदी में क्या आता है? सीमित क्रिया और असीमित। ठीक है, अब भाई हम लोग एक एक को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अभी आज हम लोग बात करेंगे, आज मतलब पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब मतलब क्या? सीमित। एक शब्द में समझना है मतलब क्या है, फाइनाइट मतलब क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, जो अपने सब्जेक्ट पर आश्रित होता है, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मैं लिखवा देता हूं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब की। ठीक, अ वर्ब विच डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? भाई अपना जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, उससे क्या मतलब समझ में आता है? उससे दोस्तों ये समझ में आता है कि इफ, देखो द वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द नंबर टेंस कॉमा मूड और वॉइस ऑफ सब्जेक्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा मैंने? द वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द नंबर टेंस मूड और वॉइस ऑफ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट टेंस चेंज होता है तो आपका वर्ब भी चेंज हो जाएगा, वर्ब का टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा। अगर सब्जेक्ट की पूरा जो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आपका वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में, अगर वो पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वापस से आपका वर्ब भी पास्ट टेंस में। तो ये पॉइंट आपका बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि वो मोड ऑफ वॉइस, इसको आप एक काम करें सब्जेक्ट इसको सेंटेंस कर लें, क्योंकि पूरे सेंटेंस का नंबर या टेंस चेंज होता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस का नंबर या टेंस चेंज होता है तो वर्ब का भी नंबर और टेंस चेंज हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। एग्जांपल देखो आप, जैसे शी आई आई एम I am working on the road। ठीक है, आप देखें I am working on the road। अब ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब मुझे इसको देखो, आपका
वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब, ठीक है? और ये मेरा सब्जेक्ट। अब जैसे आई है, आई एम टॉकिंग, अगर यहां पे नहीं होता, देखो मैंने क्या चेंज करा, मैंने चेंज किया सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट आई है, मैंने सब्जेक्ट कर दिया शी। ध्यान से देखो, यहां पे आई था, ठीक है ना, तो आई एम टॉकिंग हो गया, और मैंने यहां पर सब्जेक्ट बना दिया शी, तो क्या हुआ? शी एम टॉकिंग होगा क्या? नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा? शी के साथ चेंज हो जाता है। वही मैं बता रहा कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ये ऐसे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, या फिर ये वर्ब ऐसे होते हैं जो कि सेंटेंस के कोई नंबर चेंज हो रहा है या उसका कोई टेंस चेंज हो रहा है या वॉइस चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे वर्ब जो सेंटेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, नया शब्द लिखना पड़ता है, उनको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। देखो आप, आया था यहाँ पर सब्जेक्ट तो एम आ गया, यहाँ पे सी लिख दिया तो एम नहीं होगा, क्या हो गया? एस, क्योंकि सी के साथ एस आता है, क्योंकि का वर्ड आए के साथ एम आता है, वो हमको पता है, तो सी इज वॉकिंग, ठीक है, यहाँ पे सी इज वॉकिंग ऑन द रोड, हो रहा है क्या? चलो और एग्जांपल लेते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ ऊपर से ताकि हमको स्पेस मिल जाए, वे आप लोग वीडियो को पोज करके इसको पूरा कॉपी करें, नोट्स मेंटेन करते चले, क्योंकि पूरे एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, तो आई एम वॉकिंग, ये क्या हुआ? देखो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ तो आपका वर्ब भी चेंज हो गया ना। अब इसको पास्ट टेंस में ले लो, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, इसका टेंस चेंज करके देखो, अगर पास्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, आ रहा समझ में? क्या हो जाएगा? आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, या फिर इसके टेंस में चेंज कर लो, मान लो मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है, जो टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनाया जाता है स्ट्रक्चर वगैरह, तो अगर मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा? आई वॉक ऑन द रोड, आई वॉक ऑन द रोड, और आप क्या देख रहे हो? देखो यहाँ पे सर वॉज वॉकिंग, यहाँ पे केवल वॉक आईएनजी आ गया, यहाँ पे एम था, यहाँ पे एज आ गया, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है वर्ब्स में, ये सारे जो है इसीलिए फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि टेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ या फिर उसके मूड के साथ, नंबर के साथ ये भी परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी बदल जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो फाइनाइट वर्ब है ये आपके देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और फाइनाइट वर्ब डिवाइड कर लेते हैं। देखो आपके मेन वर्ब में देखो कैसे चेंज आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन वर्ब्स के जो है पांच फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं? फाइव फॉर्म होते हैं, एक वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर और वी फाइव, ठीक है। इसमें वी वन का मतलब होता है, वी वन का आप फॉर्म बता दो, ये होता है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म, ठीक, आपका जो भी वर्ब है वो किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। एक एग्जांपल से लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल है आपका टॉप, ठीक, टॉप आपका एग्जांपल है। अब वी टू जो फॉर्म है ये होता है पास्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये? पास्ट फॉर्म, ठीक। एग्जांपल टॉप का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? टॉप हो गया, ठीक है। बीतरी जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म, तो इसका क्या होगा? हैज टॉप, या फिर अगर पास्ट परफेक्ट है तो
चेंज करते हैं मेन वर्ब को तो इस तरह से उनके अंदर चेंज आ जाता है। तो ये सारे क्या वर्ब कहलाएंगे, फाइनाइट वर्ब ही कहलाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। फिर वी फॉर की मैंने बात की, ये होता है कंटीन्यूअस, प्रोग्रेसिव या कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका वर्ब है, ये जैसे ये वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, मतलब टॉप के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, तो ये बन जाएगा आपका टॉकिंग, क्या बन जाएगा आपका, ये टॉकिंग बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर जैसे बी फाइव देखो, बी फाइव और बड़ा इंटरेस्टिंग है। बी फाइव में क्या होता है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इनडेफिनिट फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट। कौन सा फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। क्या पहचान है कि भैया वर्ब जो है उसके साथ आप उसमें जोड़ जोड़ दो, या तो एस मिला दो या फिर ईएस मिला दो, एस और ईएस का उसमें मिक्सअप कर दो, तो ये आपका प्रेजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा। और कौन सा फॉर्म बन जाएगा ये भी याद रखना, ये इसका सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। कौन सा फॉर्म, ये आपका सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। टॉप का जो है टॉप्स, TALKS, सिंगुलर फॉर्म का क्या मतलब है कि ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, वरना ये लगेगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, आपका ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ब। ठीक, अब ध्यान से देखना दोस्तों, सब्जेक्ट अगर आपका है ही, ठीक, या फिर सब्जेक्ट आपका है शी, या फिर सब्जेक्ट में आपका के, या फिर सब्जेक्ट में आपका कोई भी सिंगुलर नी। ठीक है, सुनो, सब्जेक्ट आपका नी है ना, ये प्रणाम है, या शी है, या नी है, या कोई भी सिंगुलर नेम, राम, श्याम, मोहन, सुमन, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी एक सिंगल, एक की बात हो रही है, सिंगुलर नेम की बात हो रही है, तो उसके साथ वर्ब में क्या क्या आ सकता है वो समझ लो। ठीक, क्या क्या आ जाएगा वर्ब में, ध्यान से देखो, उसके साथ अगर आपका प्रेजेंट फॉर्म है, देखना क्या प्रेजेंट फॉर्म है, तो आपका उसमें क्या आ जाएगा, या तो इज आ जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। अगर इज आ गया ए, अच्छा इज फिर हैज, ठीक है। अगर आपका पास्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, तो आपका मैसेज को हाईलाइट कर देता हूं, इज आ जाएगा। ठीक, प्रेजेंट फॉर्म है, अगर आपका पास्ट फॉर्म है तो उसमें वॉज आ जाएगा, पास्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगर आपका परफेक्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, तो परफेक्ट फॉर्म के अंदर आपका एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। कौन सा फॉर्म आ जाएगा, आपका फॉर्म आ जाएगा हैस, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट सिंगुलर है, तो ही के साथ इज होता है, ही इज अ बॉय, शी के साथ इज होता है, शी इज अ गर्ल, इट के साथ इज होता है, जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है ना, और किसी भी नाम के साथ, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसके साथ इज आया, ये कब आता है, जब प्रेजेंट में है। ठीक है, समझ लो, ये बहुत इजी है, तो आप आपके कंसेप्ट क्लियर कर लो, तो इसका समझ में आया। अब देखो, अगर ये सेंटेंस पास्ट में बोलना है, तो देखो ही के साथ भी वॉज,
she के साथ भी was, it के साथ भी was, और कोई भी एक अकेला नाम है तो was। देखो ध्यान से, he was a doctor, अब नहीं है, पहले कभी था, या he was a criminal, पहले कभी criminal था, वो सुधर गया। she was a teacher, वो कभी teacher थी। it was my pen, ये क्या था, ये मेरा pen था, अब तो ये घूम गया है, टूट गया, जो भी है, ठीक है? या जैसे ये तो अकबर was the emperor of India, वो पहले कभी था, अब नहीं है, तो ये क्या हो गया? Was हो गया। क्लियर वाली बात। अब has की बात करो, तो has के साथ तो हमेशा आपको पता है ना verb का तीसरा form आता है। कौन सा form आता है verb का तीसरा form? Perfect tense वाले वाक्य की। मैं तो आपको खाली ये बता रहा हूँ कि इन subject के साथ ये present वाले इन सब singular subjects के साथ ये form या has आता है। देखो, he has that he have नहीं होता, ठीक है? या she have नहीं होता, या it have नहीं होता है। क्या होता है? He has होता है, she has होता है, it has होता है। ये कोई नाम है तो राम has completed his homework, ठीक है? या we के साथ है, वो अलग बात है, है ना? Singular के साथ ये तीन word याद रखना मेरे दोस्तों। He, she, it और singular name के साथ क्या आता है? उसके साथ is, was या has आता है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ मुझे। हुआ ना क्लियर? चलो फिर आप ध्यान से देखो आप लोग, ये तो था he, she, it। अब ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि I, देखो I जो है, I के साथ क्या आता है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। I के साथ जो है am आता है, कब? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? पास्ट टेंस में I के साथ verb नहीं आता, यहाँ गड़बड़ कर देते बच्चे हो कि सर इधर हमने सुना है कि आई जो है वो आपका प्लूरल की तरह काउंट करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे आई के साथ अपना है यानी कि अहम आता है प्रेजेंट टेंस में, और जब पास कर रहे हो तो आई के साथ वाज आता है, वो भी पास का सिंगुलर नहीं है, ठीक है? तो आई के साथ अहम आता है, ठीक है? आई के साथ वाज आता है, और इसकी बात करो तो आई के साथ हैव आता है। पूरी बात क्लियर? क्या होता है आई के साथ हैव आता है। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी ध्यान दो। देखो आप, देखो यू, अब इसमें यू ले लिया मैंने, एक यू हम लोगों ने, देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये पहला पर्सन का सिंगुलर है, ये पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन उसके बाद भी ये प्लूरल जैसा काम करता है ना? यहाँ पे अपने सिंगुलर वाले को इस पर रखा है, लेकिन इनको दोनों को छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है आपके आई और यू। आई और यू क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सब सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर में फिट नहीं होते। आई तो सिंगुलर में भी पूरी तरह फिट नहीं होता और प्लूरल में भी नहीं होता है, अपना ही इसका चलता है, खाली एम को छोड़ के बाकी सब वो प्लूरल की तरह काम करता है। यू देखो, यू हो गया, वी हो गया, ठीक है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इनको अलग से, केवल सिंगुलर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में आते हैं ये, है ना? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हो गया, वी हो गया और दे हो गया। उसके अलावा जितने भी प्लूरल्स हैं, प्लूरल नेम्स, जितने भी एक से ज्यादा प्लूरल नेम्स हैं, उन सबके साथ देखो इधर क्या आता है, उन सबके साथ जो है इधर सिंगुलर, देखो ये प्रेजेंट टेंस में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। जैसे देखो, यू आर माय फ्रेंड, या वी आर फ्रेंड्स, या दे आर nice people, ठीक है? या players are practicing, तो आर आ गया। अगर past tense की बात करूँ तो were आ गया, past tense में क्या आ गया? were आ गया, और perfect tense में बात करूँ तो have आ गया, है ना? जैसे ये you have completed your work, we have completed our work, या they have completed their work, तो उसमें perfect में निकल क्या लगता है? लगता है, ठीक है? तो ये आर, ये आपका क्लियर हुआ। अब बहुत सारे बच्चे जो है डू डस में कंफ्यूज हो गए, सर डू डस इसका क्या? देखो आप ध्यान से, तो ये जो डस का जो कांसेप्ट है, ध्यान से देखना, डस जो है वो भी सिंगुलर के साथ आता है। डस किसके साथ आता है? वो भी सिंगुलर वालों के साथ आता है, और डू जो है वो आपका प्लूरल वालों के साथ आता है। किसके साथ आता है? प्लूरल। और ये डस
not go to school. He does not. चलो ठीक है, एक इजी दे देते हैं. He does not need water. Need water. भाई ये जब मैं आपको टेंस करवाऊंगा ना तो पूरे इसके हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, वर्ब के जो सेंटेंसेस बनते हैं ना वो सारा करेंगे. पर क्योंकि वर्ब भी के अंदर भी इनका यूज हो रहा है इसलिए मैं आपको बहुत ही एक इंट्रोडक्शन उसका दे रहा हूं, ऐसा एक बेसिक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. देखो तो ही डज नॉट नीड वाटर, उसको पानी नहीं चाहिए. मना करना है तो डज नॉट, क्यों? क्योंकि ही आया. देखो कोई भी लेगा, देखो शी डज नॉट नीड वाटर या इट does not it does not bath. अगर dog की बात कर रहे हो तो it does not bath, do not नहीं होगा, ठीक है ना? या किसी की नाम की, जैसे राम does not know me, राम मेरे को नहीं जानता, तो राम does not, do not नहीं होगा. क्या होगा? does not. क्यों? क्योंकि ये सब singular के साथ अपने क्या लगता है? does लगता है, लगता है. ठीक है, clear है? अब इसमें I को भी लगाना है उनके साथ, I के साथ भी तू भी आता है. I भी अपने साथ जो है क्या देता है? do ही देता है. और अगर तू भी आता है, I do not, ये वाला सेंटेंस I क्या हो जाएगा? do. I do not need water. मैं मुझे पानी नहीं चाहिए, तो I के साथ भी do आ गया ना. देखो I do not need water, I do not need you, I do not want to talk to you. बोलते हैं ना, मतलब मुझे तुझसे बात नहीं करना. I don't want to talk. Don't मतलब do not ही होता है, short form होता है. जैसे ये you do not listen to me, you तुम मेरी बात नहीं सुनते हो. आगे बढ़ते हैं हम लोग.